नहीं चुनाव के, हम तो लगातार काशी में हैं, घर पे हैं, अपने परिवार के साथ हैं, और हमारे बनारस से हमारे घर के रिश्ते हैं। मैं कोई बाहर से आया हूँ व्यक्ति हूँ नहीं। मोदी जी ने माँ गंगा ने बुलाया, माँ गंगा जी के नाले गिर रहे हैं, तो हम सब लोग बनारस में लगातार 24x7 वाले हैं, 24 घंटे सातों दिन उस पर काम कर रहे हैं। तो हमारा चुनावी की तैयारी हमारी लगातार चल रही है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से जो प्रियंका जी का ट्वीट आया है, मैंने उसको देखा है, और बहुत ही तार्किक चीज़ें उसमें उन्होंने पूछी हैं कि भाई एक सन 47 से लेकर 14 तक 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज था, आज वो 205 करोड़ रुपए हो गए, तो इन्होंने अकेले मतलब समझिए कितने एक 10 सालों में कितने कर्जे ले लिए। उस कर्जे का असर क्या हुआ कि सरकारी नौकरियां मिली या रोजगार लोगों को मिले, या उन्होंने जो बेरोजगारी थी उसको दूर किया, हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को ठीक किया, तो पैसे गए कहाँ? जितने कर्ज लिए गए वो पैसे कहाँ गए? इसका मतलब ये साबित होता है कि वो सारे पैसे जो कॉरपोरेट का इन्होंने कर्जा माफ किया है, वो सब ज्यादा पैसे उसमें कॉरपोरेट के कर्जे माफी में चले गए, और जो पूरी तरीके से एक आभा मंडल दिखा रहे हैं उस आभा मंडल में ज्यादातर पैसे खर्चे गए, क्योंकि अभी तक मनरेगा के मजदूरों का 1800 करोड़ रुपया बाकी है नवंबर से, वो पेमेंट नहीं हुआ है। और केवल मैंने सुना कि 4% शायद वृद्धि किया इन्होंने, 4% वृद्धि किया है मनरेगा के मजदूरों का, जो गरीब आदमी, जिसको राहुल जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 400 रुपया रोज देंगे, है ना, ये सब नहीं किया, और केवल अपने आभा मंडल और कॉरपोरेट के कर्जे माफ करने में पूरी व्यवस्था कर दी। हर बच्चे को, हर व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए कर्जदार बना दिया। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति, हर व्यक्ति को जो बच्चा पैदा होगा वो 1.5 लाख का कर्जदार होगा इस देश का, हिंदुस्तान का, जो निश्चित तौर से इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले समय में और इस देश की आर्थिक स्थिति खराब होगी और दुखदायी होगी। देखा गया है कि कर्जे तो बढ़े हैं लेकिन इन्फ्लेशन भी बहुत बड़ा, महंगाई भी बढ़ गई है, तो क्या ये बैलेंस नहीं हुआ? मैंने कहा कहाँ बैलेंस हुआ, तो इसलिए पैसे वो गए कहाँ? वही तो मेरा सवाल है कि वो पैसे जो इतने कर्ज आए, 55 करोड़ रुपया 2014 तक कर्ज था, 205 करोड़ रुपया हो गया, 205 हो गया ना, तो वो पैसे गए कहाँ? महंगाई बढ़ती चली गई, बेरोजगारी बढ़ती, रोजगार दिया नहीं आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसे खर्चे हुए, जैसे बनारस से बंदरगाह, वो हल्दिया से लेके प्रयागराज तक की जो योजना थी 10,000 करोड़ की फ्लॉप हो गई, ऐसे ही सब पैसे फंसे हैं। वो बंदरगाह में एक भी जहाज नहीं आई, बनारस में TFC सेंटर बना है कोई काम नहीं आया, तो ऐसी जो जो योजना ऐसी बनी है लगभग लगभग सब फेल होती जा रही हैं, और निश्चित वो पैसे, सरकारी पैसे डूबते जा रहे हैं, और सरकार का पैसा फंस रहा है, महंगाई बढ़ाकर आप जनता से वसूली कर रहे हो, तो निश्चित तौर से देश का दुर्भाग्य है, और आने वाले समय में और स्थितियां खराब हैं। तो इस नाते मैं देश की जनता से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि 2024 में इनकी विदाई जरूर कर दीजिए, नहीं इसको देश को, अभी 1.5 लाख का एक बच्चा कर्जदार है, ये एक एक बच्चे को 5 लाख 4 लाख कितने कर्जदार बना देंगे जाते जाते, मतलब ये समझ लिए अभी 14 लाख करोड़ फिर ले रहे हैं, 14 लाख करोड़ रुपया फिर ले रहे हैं, तो सोच सकते हैं कि अभी ये स्थिति बन चुकी है, तो क्या फिर अभी वो जो कर्जा बढ़ता जा रहा है वो कई गुना बढ़ जाएगा। ये तत्काल इस देश की जनता से हम सब लोग विनम्र निवेदन करेंगे कि तत्काल इनको 2024 में इनकी विदाई करिए, और देश के अंदर अमन चैन यहाँ पे लोगों को मिले, लोगों को रोजगार मिले, काम मिले, महंगाई खत्म हो और लोगों को काम मिले। नहीं, उस पर कल हमारे कोषाध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, सभी लोग बैठे थे उसमें, और ये पूरे कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से ये खत्म करने की योजना है, कैसे भी कांग्रेस कमजोर हो जाए, समाप्त हो जाए, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो लगातार राहुल गांधी जैसे नेता हैं, जो लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता हैं, जो लगातार प्रियंका जी हमारी नेता की चीज़ों को उठाती रहती हैं। अब ये सब चीज़ों को दबाने के लिए कांग्रेस का खाता फ्रीज कर देना, पूरी तरीके से इनकम टैक्स की नोटिस देना, ये दिखाता है कि दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आप काम कर रहे हैं और कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं, पर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कांग्रेस को किसी चीज की कमी आने नहीं देगा कि कार्यकर्ता तन मन धन से अपना काम करेगा, चाहे ये कुछ भी कर लें, खाता सीज कर लें, इनकम टैक्स की नोटिस दे दें, किसी भी तरीके से उतर जाएंगे, ये लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी, और निश्चित तौर से 2024 में इनको भगाकर यहां पर अमन चैन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।